सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो के अंदर। और काफी टाइम बाद ये वीडियो बनाने का हमें आज फाइनली टाइम मिल चुका है। और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये है डोर लाइट स्विच। अब ये Hyundai Sentro का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल है, तो आप किसी भी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो। और इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है कि जब भी आपका कोई डोर खुला रहेगा तो आपकी जो कैबिन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और सेंट्रो या फिर पुराने मॉडल या फिर लोअर मॉडल जो उनमें सिर्फ फ्रंट दो डोर्स के अंदर ही ये सेंसर आते हैं, रियर के जो डोर्स होते हैं और डिक्की जो होती है उनके अंदर ये सेंसर नहीं आते। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रियर के डोर्स के अंदर और डिक्की के अंदर ये सेंसर आसानी से लगा सकते हो। इसके लिए आपको टूल कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये काम करने के लिए हमें हमारे पास होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये प्लायर, इसका कोई खास यूज नहीं है बट फिर भी ये होना चाहिए। एक टूल किट, अब ये एक टूल किट है जो है इसके अंदर सारे टूल्स हैं तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये डोर सेंसर होने चाहिए। ये देखो ये मेरे पास Uno Minda के हैं, 50 रुपीस का एक सेंसर मेरे को मिला है ये। अब ओरिजिनल जो Hyundai Sentro के आते हैं वो मेरे को मिले नहीं थे, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सल लिए हैं ताकि हर गाड़ी के अंदर लग जाए। और उसके बाद ये एक टेप होनी चाहिए क्योंकि इसका भी आगे यूज़ होगा। और यहाँ पर ये वायर है। अब गाइस यहाँ पर वायर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल ये वाली वायर अवेलेबल थी, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, तो इसका एक एक वायर जो है वो यूज़ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ बाहर निकल के कि इनका यूज़ कैसे करना है आपको। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी है, और जैसे ही हम इसका ये फ्रंट डोर खोलते हैं तो यहाँ पर ये नीचे ये सेंसर दिखता है हमें। ये Sentro की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये देखो, जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारी जो कैबिन लाइट है वो बंद हो जाती है, और जब ये नॉर्मल ऐसे होता है तो लाइट जल जाती है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये सेंसर एक लगा होता है, और ये इसका रियर डोर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर वो जगह तो इन्होंने दे रखी है मगर उसमें वो सेंसर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये सेंसर लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा कि हमें इस सेंसर के अंदर से एक वायर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल वायर आती है और जो इसका वो पॉजिटिव होती है और जो नेगेटिव है वो इसकी बॉडी है ग्राउंडिंग। तो यहाँ से हम एक सिंगल वायर लेके वहाँ तक लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये देखो कुछ इस टाइप का ये टूल किट है, और यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से और इसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास ये टूल किट है तो बहुत आसानी से खुल जाएगा, वरना पेचकस से ये फ्री होने के भी चांस रहते हैं इसके। तो ये पेच हमने खोल दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये कनेक्टर है। अगर आपको ये ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप इस टाइप का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अगर हम इस वायर को अंदर करके ऐसे लगाएं तो ये इस होल के अंदर बड़े आराम से लग जाता है। ये देखो बहुत आराम से लग गया, और ये निकल भी आराम से जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसे निकालने में, गया है। तो अब हमारा जो मेन काम है वो है यहाँ से एक वायर लेना और उस वायर को रियर डोर तक लेके जाना है। तो यहाँ पर ये देखो ये मेरे पास एक वायर है, तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, या तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ से कट करके यहाँ पर इसे जॉइंट लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप देखो एक होल दिया हुआ है एक्स्ट्रा, तो इस होल के अंदर से हमें इस वायर को निकालना है। पहले हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा छील लेना है। तो यहाँ पर आप देखो ये वायर निकल चुकी है। अब हमें सिर्फ इस वायर को मोड़ के इसके अंदर लगा देना है, क्योंकि ये कनेक्टर है इसका। ये देखो बस ये कनेक्टर जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होगा उसके बाद हमें इस वाले जो कनेक्टर को इसे हमें वापस लगा देना है इसके अंदर। ये देखो ये लग चुका है, यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर टेप मार देनी है, पर आपको प्रॉपर चला के भी दिखा दूँगा कि ये वायर का कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ। तो अभी हम इसे नॉर्मल टेप मार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये ब्लैक वायर का जो जॉइंट है वो किया है, तो ब्लैक वायर यहाँ पर दी हुई है, ये रही। इस ब्लैक वायर को हमें इसके साथ जोड़ देना है, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है हमें इसे जस्ट ऐसे ही कहीं टच कर देना है। ये यहाँ पर ये चल रहा है, ये देखो, और जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है, तो ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो अब हमें जो मेन काम करना है इस वायर को सेकंड डोर तक लेके जाना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके ऊपर है कि आप ये वायर किस हिसाब से लेके जाते हो। टोटल वायर मैनेजमेंट जो है, मैंने तो ये जो साइड का जो पैनल है
यहाँ से वायर निकाल दी है, थोड़ा सा पैनल जो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये तार जो है आसानी से इधर आ गई है, और ये फिर नीचे फ्लोर के अंदर से मैं इसे बाहर निकाल लूँगा। तो टोटल आपके ऊपर है कि आप वायर मैनेजमेंट को कैसे करते हो। तो मैंने यहाँ से ऐसे किया, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये वायर निकल चुकी है। अब ये मैंने इस पैनल में से निकाली है, तो अभी हमें जो है इस वायर को नीचे से यहाँ से लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं भी एक बार इस वायर को यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर काम करना, क्योंकि हो सकता है आपका हाथ उठ भी कट जाए, क्योंकि ये बहुत तीखी चीज़ें होती हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये वायर लेकर आ चुके हैं, और ये वायर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वायर कुछ इस तरीके से आ रही है यहाँ से नीचे से, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो प्लास्टिक के उसमें कवर हो जाएगी, और इस एरिया में ये वायर, इस एरिया में यहाँ पर हमने एक होल कर दिया है थोड़ा सा, ताकि ये वायर जो है यहाँ से निकल जाए, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से जाएगी तो बहुत तगड़ा झंझट है, हमें ये पूरा खोलना पड़ता। बट फिलहाल इससे हमारा काम हो गया है, और अब मैं इसे जॉइंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर देता हूँ एक बार, और उसके बाद फिर इस पर टेप मार देंगे। और इसे हम वापस कर देते हैं इसके अंदर ही। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैं बटन दबा रहा हूँ, तो ये देखो ये लाइट हो रही है ये वाली। और अब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, क्योंकि ये देखो दरवाज़ा खोला, ये बंद किया, लाइट जल बुझ हो रही है, तो मतलब ये प्रॉपर सेंसर जो है ये काम कर रहा है। और यहाँ पर ये सेंसर हमारा लग चुका है, और परली साइड का जो सेंसर है सेकंड डोर का, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। तो उसका अगर आपने इसका लगा दिया तो उसका भी बहुत आसान है, सेम का सेम सिस्टम है। एक बार अभी हम डिग्गी का लगाने के फिगर आउट करते हैं कि डिग्गी में हम कैसे लगा सकते हैं उसे। तो गाइस अगर हमें डिक्की में लगाना है ये सेंसर ये वाला, तो ये तो फिलहाल फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये एक होल सा हो रखा है, यहाँ पर इनका जो डिग्गी का टेल गेट का जो स्टड है वो लगता है, तो यहाँ पर हमें होल करना पड़ेगा इतना बड़ा, तब जाके ये यहाँ पर फिट होगा, और उसके बाद हम डिग्गी में इसे लगा सकते हैं। तो इसका भी मैं फिगर आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये लग चुका है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगेगा अगर आपके उसमें पहले ही होल हो रखा है, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप चाहो तो एमसील लगा सकते हो, जिससे ये प्रॉपर फिट हो जाए। फिलहाल मैं आपको जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ, और जब हम इसका ये डोर बंद करेंगे तो यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर पुश हो रहा है, तो ये भी सही है कि यहाँ पर जब हम इसे डोर बंद कर रहे हैं तो ये पुश हो रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो ये प्रॉपर जो है ये एक तरह का जुगाड़ है, अभी प्रॉपर मैंने बताया नहीं है मैनेजमेंट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इसके साइड डोर पे, अदर साइड पे, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, जस्ट हमें तार को जॉइंट कर देना है, और इस वायर को जो है इस टाइप से वापस जो एक्स्ट्रा है इसे अंदर ही डाल देना है इसमें, और जस्ट इसे यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर वो लाइट जल चुकी है, और जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगी, तो मतलब ये भी हमारा प्रॉपर वर्किंग हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब मैंने ऑन करा तो ये देखो लाइट जल गई, बंद किया बुझ गई, जल गई बुझ गई, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो डोर लाइट का जो स्विच है आप इस टाइप से लगा सकते हो रियर डोर्स के अंदर, जिसमें ये लगे हुए नहीं आते ये वाला, और ये जो है ये कुछ तामझाम आपको खोलना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर वायर मैनेजमेंट करना है, नहीं तो आप काम चलाऊ भी कर सकते हो, बट मैंने प्रॉपर वायर मैनेजमेंट करा है। तो ये देखो ये प्रॉपर जो है वायर मैनेजमेंट भी हो चुका है। यहाँ पर ये पैनल है, इसे भी हम ज़रा भी कर देते हैं फिक्स। हमारा जो वायर मैनेजमेंट था ये कंप्लीट हो चुका है, और ये था सेटअप आप कैसे कर सकते हो
रियर डोर्स के अंदर लाइटिंग स्विच को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बस ये कि आपको थोड़ा सा वायर मैनेजमेंट में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।